क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन में सफर करते हुए आपका सामान ट्रेन में ही छूट जाए तो उसका क्या होगा? बता दें कि रेलवे यात्रियों के छूटे हुए सामान का ध्यान रखती है और इंक्वायरी करने के बाद उस सामान को उस व्यक्ति को लौटा देती है जिसका वो सामान होता है। आइए आपको इस वीडियो से पूरा प्रोसेस समझाते हैं। बता दें कि जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाती है तब रेलवे सुरक्षा बल और स्टेशन स्टाफ द्वारा पूरी गाड़ी की जांच की जाती है और उस दौरान अगर उन्हें किसी भी यात्री का कोई छूटा हुआ सामान मिलता है तो वो उस सामान की एक रसीद बनाकर स्टेशन मास्टर के पास जमा करवा देते हैं। इसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा खोए हुए सामान की डिटेल को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उस सामान की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है और टोटल सामान की एक लिस्ट बनाई जाती है और इसके बाद खोए हुए सामान को सील बंद कर दिया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर आकर अपनी खोई हुई वस्तु के लिए दावा करता है तो स्टेशन मास्टर उससे कुछ जरूरी डिटेल लेता है जिससे वो ये कंफर्म करता है कि वो सामान उसी व्यक्ति का है या नहीं, और सामान उसी व्यक्ति का पाए जाने पर स्टेशन मास्टर उसे उसका सामान लौटा देता है। हालांकि इस दौरान व्यक्ति का पूरा पता खोए हुए सामान के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इसके अलावा बता दें कि रेलवे इस सुविधा के लिए यात्री से कोई शुल्क चार्ज नहीं करती है। ध्यान रखें कि स्टेशन मास्टर सामान के खोने या छूट जाने के बाद उस सामान को 7 दिन तक अपनी निगरानी में रखता है जिसके बाद वो उस सामान को लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेज देता है।